हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नेस्ले इंडिया के बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन और एकदम शानदार स्टॉक है। मार्केट कैप इसका 1.5 लाख करोड़, और ऐसा कोई भी इंडियन नहीं है जिसकी हमारी लाइफ से ये स्टॉक या इसका बिजनेस या इसके प्रोडक्ट्स जो है जुड़े हुए नहीं है। देखिए दोस्तों, कंपनी का प्रोफाइल अगर हम जानेंगे तो ये कंपनी जो है नेस्ले इंडिया इज़ ए सब्सिडरी ऑफ नेस्ले ऑफ स्विट्जरलैंड। ओके, इसके 4 मेजर कैटेगरीज हैं इसके बिजनेस के। मिल्क प्रोडक्ट्स में है। मिल्क प्रोडक्ट्स में ये बेसिकली इन्फेंट बेबीज एंड प्रेग्नेंट मदर्स का जो मिल्क प्रोडक्ट्स और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट के कैटेगरी में आता है। दूसरा इसका बेवरेज डिवीजन है जो टी एंड इंस्टेंट कॉफ़ी में आता है, जैसे नेस्कैफे और नेस्कैफे गोल्ड ब्रांड्स। ओके, नेस्टी और कॉफ़ीज़ और बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स जो इसने हम लोगों को दिए हैं। जो थर्ड इसका कैटेगरी है प्रिपेयर्ड डिशेज, जो इंस्टेंट फूड जो पैकेज फूड आता है, जैसे मैगी ब्रांड जो इसने दिया है हम लोगों को। और जो लास्ट कैटेगरी इसका चॉकलेट्स एंड कन्फेक्शनरी लाइक किट कैट मंच और एक्सेट्रा। ओके, सो एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा बिजनेस है जो हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए नेस्ले दोस्तों 150 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। इट वॉज फाउंडेड बाई हेनरी नेस्ले फॉर अ सोशल कॉज बिकॉज ही डेवलप्ड फेरिन लैक्टेड, इट इज़ अ मिल्क फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। ओके, इनके जो अगर देखेंगे मार्केट जो पोर्टफोलियो है दोस्तों नेस्ले का, वो 85% शेयर इनका मार्केट शेयर है टोटल पोर्टफोलियो का। और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो इन्फेंट सीरियल जो बेबी मिल्क पाउडर है, बेबी फूड होता है, उसका मार्केट शेयर 97% मार्केट शेयर है इसका पूरा नेस्ले का अकेले का, और 3% में बाकी अदर कंपनीज लाइक एबट इंडिया एक्सेट्रा आ जाती हैं। और इनका और भी कैटेगरीज अगर हम देखेंगे तो इन्फेंट फार्मूला 66% मार्केट शेयर है। मैगी देखिए 60% मार्केट शेयर है मैगी का। ओके, और भी इसमें देखिए पास्ता का जो इनका 73% मार्केट शेयर है। इनका जो किटकैट और चॉकलेट्स और ये सब 63, देखिए मोर देन 50% शेयर जो चॉकलेट्स एंड कन्फेक्शनरी में जो वेफर चॉकलेट्स होती हैं उसमें जो है नेस्ले का शेयर है। ओके, अब देखिए इनका जो रेवेन्यू जो आती है टोटल, देखिए इसका 2019 का इनका कैलेंडर, इनका जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है जो स्टेटमेंट होता है, तो देखिए इसमें टोटल जो है अगर हम देखें ना 56,000 मिलियन या 5600 करोड़ जो इनकी खाली मिल्क प्रोडक्ट से ही जो है इनकी रेवेन्यू आई थी। और ये टोटल रेवेन्यू में शेयर ऑलमोस्ट मोर देन 50% जो है इसका शेयर मिल्क प्रोडक्ट से, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से ही आता है। अब देखिए दोस्तों, ये पिछले कुछ सालों का 10 से 12 सालों का इनका पूरा जो है डेटा है फाइनेंशियल। देखिए इनका सेल्स 4,000 करोड़ हुआ करती थी, आज 12,000 करोड़ इनकी सेल्स है। इनका जो नेट प्रॉफिट 500 करोड़ हुआ करता था, आज 2,000 करोड़ तो इनका प्रॉफिट है। और इनका देखिए रेशियोज इक्विटी और ROC देखेंगे तो लगातार जो है कंसिस्टेंटली 90-50 इतने ऑसम एकदम 30-20 से ज़्यादा ही मेंटेन्ड है लगातार। बस एक साल जैसा गया था 2015 में जब मैगी का इशू आया था, तब इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ था, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो एक आध ईयर जो है डिसरप्शन तो आते ही हैं हर कंपनी में। देखिए कंपनी कंसिस्टेंटली दोस्तों डिविडेंड भी देती है। अब शेयर होल्डिंग डेटा आप देखेंगे तो आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी दोस्तों। 830 FPIs ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और मात्र 12% शेयर FPIs के खाली। देखिए कितना, जैसे शेयर नहीं भूखा शेयर नोच नकोट के जो पीछे पड़ा रहता है कंपनी का। 830 FPIs किसने, बस मतलब हर कोई भूखा बैठा है कि मुझे बस एक पाई दे दे, एक चॉकलेट का एक थोड़ा सा एक बस बाइट मिल जाए। 12% शेयर में 830 FPI खा रहे हैं, सोचिए मतलब क्या वैल्यू इस कंपनी की दोस्तों। एक भी प्लेजिंग नहीं है, ऑब्वियसली ये स्लाइड दिखाने का कोई मतलब भी नहीं है, प्लेजिंग हो भी नहीं सकती इतनी शानदार कंपनी में। देखिए दोस्तों ये जो है इसका वैल्यूएशन चार्ट है पिछले 4-5 सालों का, ठीक है, ये जब 2015 से लेके अभी तक का। और इसका कंपनी का जो है ना री रेटिंग कैंडिडेट है ये, जो है कुछ सालों में होता रहता है। पहले देखो यहाँ ट्रेड करता था, फिर ये 55 से लेके 75 तक की पी में ट्रेड करता था, फिर अभी री रेटिंग हो गई 75 से 85 तक, और इसका जो कोविड लो लगा था ये 70 की पी तक गया था। और अभी देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ इसमें, आखिरी तक देखिएगा वीडियो, देखिए कितने सारे डिविडेंड दिए कंपनी ने। ये आप लोग, हम लोग परेशान रहते हैं बैंक FD में पैसा डालें, वहाँ डालें, यहाँ डालें, फलाना ढिमकाना। देखिए दोस्तों आपके सामने इतनी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, इतने अच्छे अच्छे शेयर हैं, ये आपके माल को प्रोटेक्ट ही नहीं करेंगी, आपको डिविडेंड भी देंगी अच्छे से। ये सब जो है ना लेके भूल जाने वाले रिटायरमेंट वाले शेयर्स हैं। और देखिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसमें इन्वेस्ट आपको कैसे करना है, ठीक है। अब ये अगर आप देखेंगे इसका जो पिछले 5-6 सालों का फॉल देखेंगे, देखिए ये अपने हाई से यहाँ तक का गिरा था, 33% फॉल था। यहाँ पर जब गिरा तो 14% गिरा, यहाँ गिरा तो 22% गिरा, कोरोना के टाइम पे गिरा तो ये 27% गिरा। तो हम कह सकते हैं सेफली कि ये जो है 15 से लेकर 30% तक जो इसमें नॉर्मल फॉल होता है इस शेयर में, तो इसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। अब देखिए इसका अभी करेंट हाई जो गया था 18,370 गया था, तो आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए, 5% इसका लेस कितना होगा, 10%, 40% तक,
अभी देखिए करंटली जो प्राइस इसका चल रहा है वो जो है 15,200-15,300, तो इन इसके आसपास चल रहा है। इसका मतलब 17% के आसपास जो है ये अपना डाउन है हाई से। तो आप SIP मोड में अगर बिलीव करते हैं तो कुछ शेयर अभी ले लीजिए, एक या दो क्वांटिटी या जितना भी आपको इन्वेस्ट करना है। फिर जैसे ही आप 20% पे आता है या 30% के बीच में आता है 14,500 के आसपास, तब ले लीजिएगा। और इससे नीचे जाने का चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। बहुत ही शार्प एकदम कोई मार्केट में मूव आता है तो ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वरना तो भूल जाइए, आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देगा। अब देखिए एडवांटेज क्या है दोस्तों इस शेयर के, पूरी इंडिया की मार्केट में 20 से 30 स्टॉक ही हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं 7,000 मार्केट शेयर मार्केट में, 7,000 की स्टॉक मार्केट में। और ये देखिए ऐसे शेयर्स होते हैं जो गुड होते हैं फॉर पार्किंग द आइडियल मनी, एस दीज आर मोर सेफर देन दी बैंक FD और डेट म्यूचुअल फंड। ओके, मार्केट रिस्क ऐसे शेयरों में बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये कंसिस्टेंट और एवरग्रीन बिजनेसेस हैं। स्ट्रेटेजी सिंपल है, बाय एट एवरी 10% डिप। थैंक यू।